हेलो एंड वेलकम देखिए जे के एस एस बी फॉरेस्टर का हम इस वीडियो में सिलेबस डिस्कशन करेंगे आपके सामने हैं ये जे के एस एस बी फॉरेस्टर का सिलेबस इसमें आप देख सकते हो कि आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं पहला तो आपको सेक्शन ए में साइंस है और यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का साइंस है जिसका मतलब यह है कि आपको अलेवंथ और ट्वेल्थ का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है अब आप सोच रहे होंगे सर हमें नीट तो क्वालिफाई नहीं करना तो हम सिलेक्टेड कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं हमारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में इधर लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इक्वल वेटेज होगी मतलब कि 11, 11 और किसी एक में 10 नंबर होंगे तो 32 टोटल हो गए ओके okay. अब सुनो आप सोच रहे होंगे सर इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िक्स की बात करें सर हम क्या करेंगे हमने तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए या बाकी एग्जाम्स के लिए तो फिज़िक्स पढ़ रहे हैं हम इसमें मोशन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ़ मोशन है ना वो मास वेट वगैरह वगैरह न्यूटन्स लॉज ऑफ़ मोशन हम मोशन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो हमारा साइंस हो गया फिजिक्स क्योंकि यही सिलेबस हमारा एफ का है लेकिन आपको बताऊँ मैं यहाँ जो इसने बोला है सिलेबस ने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो कहने का मतलब ये है कि आपको ट्वेल्थ से नीचे खासकर कर अलेवेंथ और ट्वेल्थ की पूरी फिजिक्स पूरी बायोलॉजी पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है अब ये पूरी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको नीट या बहुत डिटेल में जाना है क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे इधर से क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है जहाँ पे भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है वहाँ पे क्वेश्चन बेसिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिज़िक्स की ही बात करें तो आपको फिज़िक्स के अलेवंथ में लगभग टेन चैप्टर्स हैं ट्वेल्थ में आपके नाइन्थ चैप्टर्स है तो आपको ओवरव्यू लेना है हम जो आपकी लेक्चर सीरीज परसों से स्टार्ट करेंगे बस कल का दिन बीच में होगा परसों से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉरेस्टर पर तो हम आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे है इसमें हम आपको वन शॉट वीडियो बनाएंगे एक चैप्ट अलग अलग चैप्टर पर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स की ही बात कर रहे थे ना तो हम अलेवंथ के सारे चैप्टर्स को टच करेंगे 12th के सारे चैप्टर्स को टच करेंगे। आपको कोई बताएगा कि देखो आप दो तीन चैप्टर डिटेल में पढ़ो आप सिलेक्ट हो जाओगे टच मतलब करना है अब हर चैप्टर टच करने का मतलब हर चैप्टर के बारे में हम एक एक आपको वीडियो देंगे किसी जगह अगर चैप्टर बहुत लंबा है तो दो वीडियो मिलेंगे हर चैप्टर में आपको बेसिक्स याद रखने हैं क्वेश्चन बेसिक से आएगा क्यों वास्ट सिलेबस है जहां वास्ट सिलेबस वहां इजी क्वेश्चन ये ट्रेंड बहुत जमानों से चलता आ रहा है कभी हां एक्सेप्शन है लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है अब सुनो अलेवंथ में आपकी अगर हम बात करें चैप्टर्स की तो लगभग नौ दस चैप्टर है जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट है मोशन है फिर मोशन इन स्टेट लाइन प्लेन फिर है लॉज ऑफ मोशन फिर है वर्क पावर एनर्जी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसके बाद ग्रेविटेशन बल्क मैटर थर्मोडाइनेमिक्स थोड़ी ऑफ गैसेस गैसेस ऑसिलेशन एंड वेव्स ये चैप्टर्स आपको अलेवंथ में देखने को मिलेंगे और इन चैप्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन इन चैप्टर्स की बेस इन चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इससे इससे बेटर है बेसिक नॉलेज देना किससे बेटर है? जो आपके दिमाग में होगा कि हम चलो हम चलो हम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के दो चैप्टर्स पढ़ के जाएंगे हमारा फिजिक्स हो गया हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं डिटेल में ना पढ़ो बेसिक पढ़ो बेसिक ही आपने वी एल डब्ल्यू में देखा कितना ईजी सवाल आता है अच्छा ट्वेल्थ के बारे में अगर बात करें तो ट्वेल्थ की आपकी एनसीईआरटी सिर्फ फिजिक्स की ही बात कर रहा हूं मैं तो ट्वेल्थ में भी आपको नाइन टेन चैप्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फिर आपको कलट करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर मैग्नेटिज्म फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स है डिवल नेचर ऑफ मैटर है एटॉमिक न्यूक्लियर है या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं तो ये चैप्टर्स आपको टच करने हैं हम इन चैप्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे लेक्चर सीरीज की फॉर्म में कोशिश करेंगे हर चैप्टर पे वन शॉट दे ताकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक्स अंडरस्टैंड हो जाए ओके अब किसी जगह चैप्टर बहुत बड़ा होता है तो फिर दो, दो वीडियोज भी चलेंगे उसके बाद हम अगर बात करेंगे इसका 32 मार्क्स है आपके साइंस के अब अगर हम बात करें आपका ये जो मैथ है इसमें भी 32 मार्क्स है हाँ इसमें आप ठीक है हर चैप्टर को डिटेल से पढ़ो क्यों क्यों क्योंकि चैप्टर जो है इसका लिमिट है ऐसा नहीं अनलिमिटेड चैप्टर्स हैं तो यहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये मैथ के कुछ चैप्टर्स तो कहने का मतलब ये है हाँ यहाँ पे आप हर चैप्टर के ऊपर आपको तीन तीन चार चार पांच पांच वीडियोस भी मिलेंगे तो बेस्ट है क्योंकि मार्क्स 32 है तो हर चैप्टर पे आपके तीन से चार से पांच वीडियोस भी टीचर बनाए तो बहुत अच्छा है लेकिन यहां पे यहां पे आपको वन शॉट ज़्यादा बेहतर रहेगा बेसिक ज़्यादा बेहतर रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिट्स वो ज्यादा बेहतर रहेगा ठीक है ओके फिर उसके बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो जनरल नॉलेज में आपका यहां पे 24 मार्क्स दिया गया है मार्क्स के हिसाब से हमेशा पढ़ो 24 मार्क्स आपका जनरल नॉलेज दिया गया है तो यहां पे उतना डिटेल नहीं जाना है यहां पे मैंने बोला ठीक है कर सकते हो क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर है हालांकि हां हर एक चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल भी है ऐसा भी है लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू वाकई ऊपर यह ठीक है यहां पे आपको बताऊं यहां पे आपका जो आएगा करंट अफेयर आएगा उसके बाद आपका हिस्ट्री है जोग्राफी है पॉलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग अलग इसने बनाया है हालांकि दोनों के दोनों पॉलिटी में ही है उसके बाद है आपका जनरल इश्यूज वगैरह ये सब ये सब आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आता है तो इसने कितने कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला फिर है ये कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी वाला हो गए दो कंपोनेंट फिर ज्योग्राफी तीसरा फिर हिस्ट्री फोर्थ कंपोनेंट और फिर करंट अफेयर फिफ्थ कंपोनेंट ये फाइव कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं और इनके मार्क्स आपको ट्वेंटी फोर है ठीक है ये आपको याद रखना है अब यहाँ पे भी आपको सिलेक्टेड ही पढ़ना है हिस्ट्री तो बहुत बहुत है जोग्राफी तो बहुत है और इधर जोग्राफी के अंदर पता नहीं कौन सी हिस्ट्री के अंदर नहीं लिखा है कि मॉडर्न एंश मिडीवल जोग्राफी के अंदर नहीं लिखा है इंडियन वर्ल्ड ठीक है ना तो चलो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि ये तो हुआ ई और आपका पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री और करंट अफेयर इसमें आप मार्क्स के हिसाब से अगर चले तो फिर बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है बेसिक ही पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको बताने हैं बस वही आपके एग्जाम में आएगा उसी को बार बार रिवाइज करके और काफी अच्छी ग्रिप उस पर लगा रखनी है उसके बाद आपका सिक्सटी मार्क्स का ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग रीजनिंग में जैसे स्टेटमेंट्स एंड एजप्शन है साइलॉग है इनपुट आउटपुट है एनालिटिकल एबिलिटी में ब्लड रिलेशन डायरेक्शन टेस्ट स्टिंग अरेंजमेंट कोडिंग डिकोडिंग एक्स्ट्रा ठीक है ना ओके okay. फिर है आपका लास्ट में सिक्सटीन मार्क्स का डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप डिसीजन ले लो आप इस प्रॉब्लम में फंसे हो फॉर एग्जाम्पल आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको प्रॉब्लम है आप एक टीम लीडर हो और ये ऐसी प्रॉब्लम है आप कैसे डिसीजन मेक करोगे वगैरह वगैरह जैसे सवाल तो ठीक है ये भी बेस्ट है यहां से आप यहां से आप काफी मार्क्स फैच कर सकते हो इस वाले पोर्शन से लास्ट वाले पोर्शन से और लॉजिकल रीजनल एनालिटिकल एबिलिटी में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं लेकिन यहाँ पे आप देखो हर चैप्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको और जब जब आपका एग्ज़ाम होता है तो जहाँ जहाँ जितना वास्ट सिलेबस होता है उतना वहाँ पे बेसिक सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिलहाल आपको यही बताना है कि परसों से आपका फॉरेस्टर का जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉरेस्टर का बैच का लिंक मिलेगा आप जाके वहां पे फॉरेस्टर बैच में ज्वाइन हो सकते हो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का भी लिंक मिलेगा क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड आप नहीं कर सकते जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अभी नहीं दिख रही है उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं छः सात आठ दिन लगेंगे वो सॉल्व हो जाएगा जब तक आपके पास अगर आपके पास हमारी एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ए पी के फाइल के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फिर बैच में ज्वाइन हो जाइए या तो कंटैक्ट नंबर दूंगा उस पर व्हाट्सअप करके आप बैच में ज्वाइन हो सकते हैं इस वीडियो में हमें इतना ही बोलना है मिलते हैं अब अब नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्टर का लेक्चर नंबर वन जो कि आपका होगा या तो मैथमेटिक्स का या तो साइंस का ओके okay, दोस्तों बाय